आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को धोखे में मत रखो। अगर धोखे में रखोगे तो 4-5 महीने आप लोग की जिंदगी के और घर वालों की मेहनत की कमाई वो सारी की सारी जो है वो नाली में जाएगी। कई सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं, इस एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, अभी हम लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में इस एग्जाम को देख लेंगे। कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्या एमटीएस के साथ में इस एग्जाम की तैयारी कर लूं। कुछ बच्चा कह रहा है कि सर क्या बैंकिंग के साथ में इस एग्जाम की तैयारी कर लूं। देखो यार, ये बात बोलना कि हाँ ठीक है कर लो तो दिल को तसल्ली देने वाली बात होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा यहां पर इसका कट ऑफ बोल रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो, किसी और एग्जाम को साथ में लेकर चलोगे और ये एग्जाम भी आप लोगों का पैरेलल में निकल जाएगा, तो ये अपने आप को सरासर धोखा देने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो यहां पर ये कि ये यूपीएससी है, ये ना तो एसएससी है, ना आप लोगों का बैंकिंग है, ना फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वही समझ पाएगा जो सिस्टमेटिक वे में अपनी तैयारी करके जाएगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर एग्जाम का कट ऑफ तो देखो आप लोग, यहां पर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कोई गुंजाइश मिल रही है इसमें। 400 में से नंबर हैं आप लोगों के सामने, लगभग 300 नंबर हैं। 400 में से 300 नंबर लेकर आना, किसी चीज को और पैरेलल में आप लोग कर लोगे? आप लोग बस इतना कर सकते हो कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की आप लोगों की तैयारी चल रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे लेबर लॉज वगैरह हो गया, अकाउंटिंग वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ये कुछ पोर्शन 1-1.5 घंटा पैरेलल में देके आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि यूपीएससी आप लोगों को वही प्रिपरेशन करा रहा है जो प्रीलिम्स की है। पर लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि बैंकिंग की तैयारी कर लेंगे तो इसको कर लेंगे, एसएससी को अलग से लेके चलते हैं तो इसको कर लेंगे, तो यार यूपीएससी वाले ना आप लोगों का पैर पंजे पड़ने नहीं देंगे। मेरे से लिखवा लो ये, आप लोगों को एक तरीके से माइंड में बस बना के चलते रहो कि हाँ यार, हाँ हम भी कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होने वाला है। अगर आप लोग बैठ के लग के 4 से 4.5 महीने नहीं दे सकते हो, डेली रेगुलर लग के 8 से 10 घंटे इस पर्टिकुलर एग्जाम को नहीं दे सकते हो, सारी चीजें छोड़कर इसके लिए पूरा डेडिकेशन नहीं कर सकते हो, और फिर भी अपने मन में तसल्ली लगाए बैठे हो कि यार एक आधी वैकेंसी तो हमारे हिस्से में भी आ जाएगी, तो यार नहीं आने की है। क्योंकि ये इतना हाई कट ऑफ गया हुआ है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, और पिछली बार से वैकेंसी तो देखो, पिछली बार से वैकेंसी है जो कट ऑफ है, ये मैं पिछली बार का बता रहा हूँ। पिछली बार 170 थी वैकेंसी, अब की बार कितनी है? अब की बार तो यहाँ पर 159 है, 159 वैकेंसी है, कमी तो है यहाँ पर। तो देख लो इसकी, देख लो आप लोग उठा के, 418 वैकेंसी, यहाँ पे 421 थी। तो ये जो कट ऑफ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को लगता है कि ये कट ऑफ जो है आप लोग किसी और चीज को पैरेलल में लेकर चलोगे और इस कट ऑफ को क्लियर कर लोगे? इसी पर्टिकुलर एग्जाम को 100% टाइम देना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, इसलिए बोल दिया है ताकि आप लोग, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और प्रीलिम्स में मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर होता है, छोड़ के इक्का दुक्का सब्जेक्ट को, तो इसलिए यहां पर ये बात मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं। पर लेकिन अगर सोच रहे हो दूसरा एग्जाम पैरेलल में लेकर चलोगे तो यार ये देखो अपने आपका टाइम बर्बाद करने वाली बात यहां पर होगी। इसलिए मैंने बोला था कि यहां पर जो पर्टिकुलर ये मार्क्स है ना, ये पिछली बार का कट ऑफ है। पिछली बार जब था 2015 में, अब 2023 में आप लोग बैठे हो। 8 साल पहले इसका मटेरियल भी नहीं था ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल। इतने सारे कोर्स हैं आज के डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है, आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में अवेलेबल। तो आज के डेट में मटेरियल आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा इसका। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बिना कोर्स के भी तैयारी करनी है तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि हाँ हो जाएगी, पर लेकिन लग के करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। कोर्स किस लिए लेना चाहिए? कोर्स इसलिए लेना चाहिए अगर आप लोग लग रहा है कि नहीं यार अपने आप से एफर्ट नहीं डल रहा है, तो आप लोग कोर्स देख सकते हैं कि यार कोर्स आप लोग की चीजें कंप्लीट करा देगा। पर लेकिन यही सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें भी आप लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। लग रहा है कि यहां पर मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ जो भी सब्जेक्ट चला, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप करवा दोगे बस हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, मैं रिविजन थोड़ी करूंगा, मैं प्रैक्टिस थोड़ी करूंगा आप लोगों की जगह आके बार बार, मैं उसको देखूंगा थोड़ा ना कि क्वेश्चन किस तरीके के लेवल के बन रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पर लेकिन आप लोगों को उसमें लगना पड़ेगा, मतलब कहने का है कि टीचर जो है वो अपना काम करेगा, आपको उससे डबल ट्रिपल टाइम अपने आप देना पड़ेगा। एक लेक्चर डाल दिया 1 घंटे का, अब कम से कम 3 से 4 घंटे आप लोगों का काम है उस लेक्चर में से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हम लोग को निचोड़नी है उस लेक्चर में से। जब तक आप लोग खुद से उस लेक्चर के ऊपर कम से कम 2 से 3 घंटे खुद से बैठकर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप लोग बहुत सारी चीजें तो भूल जाओगे। आप लोग देख लो जो लेक्चर भी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था, अब तक आप लोगों को कौन सा पोर्शन याद है, कौन सा पोर्शन आप लोग भूल चुके हो? ये आप लोग की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मेमोरी ही ऐसी है यार। आप लोग अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से 90% चीजें भूल जाते हो। इसीलिए कहते हैं कि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो रिविजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसलिए कहता हूं कि आज एक क्लास अगर ले ली है, कल की क्लास जब लेने आओ तो पुराने वाली क्लास का रिविजन करके आना। इसके पीछे ये बेसिकली एक थ्योरी है जिसके तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ हमारा माइंड कैसे काम करता है, और इसको प्रैक्टिकल में आप लोग इंप्लीमेंट करके देखो अपनी लाइफ में कि कैसे काम कर रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज यहां पर यही है कि अगर आप लोग टारगेट लग के चल पा रहे हो कि रिटर्न में, अगर आप लोगों का टारगेट चल रहा है कि 300 में से रिटर्न में, देखो सीधी सीधी बता रहा हूं, 300 में से, मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि कोशिश करना कि 300 में से लगभग
230 या 40 के बीच में आप लोगों के मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, 230 या 40, 300 में से 230, मतलब 230 में प्लस माइनस 5 आप लोग कर सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार से कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में भी आप लोगों को लगभग जो है अपना टारगेट रखना चाहिए 65 से 70 के बीच में, अगर रियलिटी में आप लोग चीजें क्लियर करना चाहते हैं तो। मतलब कहने का है कि रिटर्न तो देखो आप लोगों के हाथ में कंप्लीटली, उसमें जितना चाहो उतनी मेहनत कर सकते हो। इंटरव्यू में सामने वाले का मिजाज कैसा है, क्या वो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपने आप को उसके लिए रखना ही क्यों है, पहले ही अपने आप को ऐसे लेवल पे तैयार करो कि इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहो। खुद देखो आप लोग अगर देखोगे, जैसे टीना डाबी, रिया डाबी, जो यूपीएससी में सिलेक्शन है बहुत सारे कैंडिडेट के, वो रिटर्न एग्जाम पे इतना फोकस उनका रहता है ना, वो इंटरव्यू को साइड में रख देते हैं उठा के, कि इंटरव्यू में थोड़े कम भी मार्क्स आएंगे ना, रिया डाबी के मार्क्स देखना इंटरव्यू में कितने कम है और उसको आईएएस मिला हुआ है, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो ये ट्रिक आप लोगों को भी अपनानी पड़ेगी यहाँ पर, रिटर्न पे पूरा 100% आप लोग दे दो। इंटरव्यू में तो फिर अच्छा होगा ही होगा, जब रिटर्न में भी आप लोगों का अच्छा हो रहा है तो उसको तो आप लोग फिर आराम से कर ही लोगे, टाइम भी लगेगा उसमें, फिर 100% फोकस उसमें देना है। और यहाँ पर एक बार इंटरव्यू आप लोगों ने फेस कर लिया, फिर जब यूपीएससी का जो मेन पेपर होगा, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स जो मेंस इंटरव्यू उसमें जब होगा, तो एक बहुत ही बेहतरीन सा एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होगा। यूपीएससी वालों के लिए ये ऑप्शन छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी, पर दूसरों के लिए बात मैं बोल दूं तो वो बिल्कुल, मतलब एक तरीके से बोल सकता हूं, पर लेकिन उसमें आप लोगों को लग के काम करना पड़ेगा। और ये दोनों के लिए है, चाहे आप लोग एपीएफसी की बात कर रहे हो, चाहे आप लोग एओईओ की बात कर रहे हो, इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं यहां पर। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे कोर्स खरीदो, चाहे कोर्स न खरीदो, चाहे आप लोग यहां पर जो फ्री में अवेलेबल है उससे तैयारी करो, पर टारगेट अपना जो है जितना बोला है उससे नीचे मत रखिएगा, ठीक है। टारगेट कोशिश करना कि 330 नंबर या फिर इससे 325-20 के एयरफेयर में, इससे ऊपर ही रखना, 320 से ऊपर ही अपना टारगेट रखना, अगर चाहते हो रियलिटी में कि सिलेक्शन जो है यहां पर हो जाए। 320 में ये फाइनल बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप लोग देखते हैं 300 का तो यही गया पिछले वाले। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एडवांस लेकर चलो ना, जितना बोल रहे हो उतना तो लेकर नहीं आओगे, कुछ कम भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखना है। तो अपने वाले कहते हैं कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पानी में कूदने से पहले नाप तो लो, भाई साहब तैरना आता है वो अलग बात है, पता चला क्या कंडीशन हो रही है, पर पानी की गहराई तो नाप लो, अगर डूबने लगे तो किस तरीके से सिचुएशन ठीक करनी है। तो ये बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा हूं। तो हवा में अपने आप को नहीं रखना है, जो रियलिटी है उसमें आप लोगों को रखना है और लगकर काम करना है। अब आप लोगों को, जब मैं लेक्चर ले रहा था इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला, उसमें इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर है, एक बार पढ़कर आप लोग काम ही नहीं चलेगा, 2-3 रिवीजन आप लोगों को उसको देने पड़ेंगे। आप लोगों को लग रहा है कोई और एग्जाम प्रिपरेशन पैरेलल में कर 2-3 रिवीजन लोगे, पर यूपीएससी में फायदा है क्योंकि वही सारी चीजें मैक्सिमम यूपीएससी में कवर हो रही है, तो आप लोग वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बोला जा रहा है कि यूपीएससी वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, अगर यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो वो मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, बाकी जो कोर्स है उसके बारे में आप लोगों को बताइए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की क्लास आप लोगों की चल रही है यहां पर, जल्दी ही जो दूसरी क्लास है अभी आप लोगों की एप्टीट्यूड की क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीजें अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ में, टेस्ट सीरीज अलग से मत खरीदना, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक ना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।